यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने कई इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ कर भगा दिया। उसने इस वीडियो में रूस की बर्बरता का भी जिक्र किया और साथ ही वो मंजर भी दिखाया जिसमें यूक्रेन के खूबसूरत शहर शमशान में बदले नजर आए। इसके अलावा उसने इस वीडियो में अपनी फौज की बहादुरी को भी सलाम किया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उनके इलाके में मौत का खेल खेला, लेकिन उनके जवान अपने देश की सुरक्षा में डटे रहे। एक जगह पर रूसी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीर भी नजर आई, तो वहीं कुछ रूसी सैनिकों के शव भी इसमें दिखाई दिए। दनादन बरसते गोलों और धमाकों से यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की फौज के इरादे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। साथ ही ये ऐलान किया कि अब हमारे दिलों में डर की जगह बदले की आग ने ले ली है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। वहीं बुचा शहर में यूक्रेन के सैनिकों के हाथ रूसी हथियारों की बड़ी खेप लग गई है और इस शहर पर करीब एक महीने तक कब्जा करने के बाद रूसी सेना हाल ही में पीछे हटी है, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने जब बुचा शहर में फैले मलबे को हटाना शुरू किया तो रूसी हथियारों का बड़ा जखीरा उनके हाथ लग गया। इन हथियारों में गोला बारूद और ग्रेनेड तक शामिल हैं। यूक्रेन के सैनिक उन्हें बड़ी ही सावधानी से उठाते दिखाई दिए, क्योंकि कई हथियार अभी तक फटे नहीं थे, यानी उनमें कभी भी विस्फोट हो सकता था। ऐसे में वहां जुटे जवानों ने एक एक कर रूस के कई हथियारों को उठाया और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया। उनमें ज्यादातर हथियार रूस के उन टैंकों से मिले जिनके परखचे उड़ चुके थे। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने उन टैंकों को निशाना बनाया था। कुछ हथियार तो शहर के बीच चौराहे से भी बरामद किए गए। बुचा ही वो शहर है जहां रूसी सेना पर बड़ी संख्या में आम लोगों के कत्लेआम का आरोप लग रहा है।